तेजी से चलती हुई दुनिया में आज लोग अपने शौक पूरे करने के लिए आज का जो युवा है वो मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे निकम्मे भी लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए अपराध कर रहे हैं। ऐसी घटना आज आपने देखी कि सिगरेट पीने के लिए एक व्यक्ति यानी सिगरेट का, महंगा सिगरेट का, ब्रांडेड सिगरेट का शौक रखने वाला लड़का चोरी करता है और लाखों की चोरी में वो गिरफ्तार होता है। और ऐसी दूसरी घटना ये वसई विरार के नाला सोपारा पूर्व की, यहाँ पे अचोली पुलिस स्टेशन की हद में ये लड़का जिसके हाथ में अब बेड़ियाँ हैं और अब पुलिस का पहरा है, वो लड़का 18 साल कंप्लीट किया है जब उसे नई दुनिया में जाना चाहिए। 18 साल पूरे होने के बाद उसको कानूनन कई अधिकार मिलते हैं, उसका उपयोग करके अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। ऐसे में वह पुलिस की हथकड़ी के आगे घुटने पर बल पे बैठा हुआ है। आप देखिए तस्वीरें हैं नाला सोपारा पुलिस स्टेशन की, अचोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में ये लड़का जगह जगह चोरियाँ करता था और इसने, ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इतनी सारी साइकिलें इसने चुरा ली। पुलिस ने बताया कि इसके पहले माणिकपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में यानी वसई पश्चिम में भी इसने कई साइकिलों की चोरियां की थी, लेकिन इसके पहले उसको लोगों ने रहम करके छोड़ दिया था क्योंकि यह नाबालिग था। लेकिन जैसे 18 साल हुआ इसने अपना जो काम था वो छोड़ा नहीं था, साइकिलें चुरा चुरा के एक जगह जमा कर रहा था, कुछ तो बेची थी लेकिन ज़्यादातर वो बेच नहीं पाया था। अब इस सनक को क्या कहेंगे कि 18 साल पूरा होने के बाद उसे किसी काम धंधे में लगना चाहिए, लेकिन वो ताबड़तोड़ चोरियाँ कर रहा था और वो भी साइकिल है। और इसमें देखिए BMW, ऐसी जो ब्रांडेड जगुआर, ऐसी ब्रांडेड जो साइकिलें हैं इसने चुराई हैं और साइकिलें एक जगह जमा करता था। तो पुलिस के पहरे में खड़ा है लड़का जो है, इसका नाम है राजकुमार गिरीश मेवाड़ा, उम्र 18 वर्ष और ये जो रहने वाला है ये साईकृपा चौल अचोले गांव का रहने वाला है और इसे पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार किया। इसने कई सारे लोगों की साइकिलें चुराई हैं और आगे की जो कार्रवाई हो पुलिस कर रही है। फिलहाल इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अचोले पुलिस स्टेशन चंद्रकांत सरोदी जी का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। सर बताइए, ये जो साइकिल पकड़ी है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? साइकिल पकड़ने का मकसद ऐसे है कि 15/12/2022 को एक शंकर पाटिल नाम के इसम ने हमारे पास कंप्लेंट दिया कि मैंने स्मशान भूमि रोड पर मेरी साइकिल रुका कर वहां पर लगा कर गया था तो किसी ने वो चुरा लिया करके, और जो साइकिल थी वो बड़ी महंगी थी, कम से कम 25,000 की वो साइकिल है। तो उसने जैसे फरियाद देने के बाद हमने गुनाह दाखिल किया। गुनाह दाखिल होने के बाद हमने हमारे डिटेक्शन ब्रांच को अगवा करके उनको बताया कि डिटेक्ट करो करके, तो हमारे जो डिटेक्शन टीम के जो API सूर्यवंशी और उनकी जो टीम है वो डिटेक्शन करने लगी और CCTV कैमरा वगैरह चेक करने लगी। करते करते 18 तारीख बीत गई। 18 तारीख को वापस वो जो डिटेक्शन करने वाले थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दरमियान एक संशयित लड़का वहां से गुजरने लगा और नई साइकिल उसके पास थी, विवेलो कंपनी की ये साइकिल लेके जाते समय दिखा, तो उसको पूछताछ किया कि साइकिल कहाँ पर है, किसकी है, क्या है, उसको ऐसा कुछ जवाब देने आया नहीं। तो फिर उसको हमको हमारा संशय बढ़ गया कि ये चोरी की हो सकती है, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में लाया। तो फिर फिरियादी को बताया हमने कि यही साइकिल है क्या आपकी, तो फिरियादी ने वो साइकिल पहचाना, फिर उसी मुताबिक हमने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद फिर जो उसने और कई जगह पर गुनाह किया था, माणिकपुर पुलिस स्टेशन के 3 साइकिल और भी डिटेक्ट हो गई है, वो 3 ओपन हुआ है, तो उधर वो 3 साइकिल और मिली है। और हमारे यहाँ पर भी ऐसे पूरे टोटल महंगी महंगी साइकिल जो है, जैसे BMW कंपनी की साइकिल है, वैसी साइकिल हमने उसके पास से 10 साइकिल ऐसे जब्त किए हैं महंगी महंगी। और ये सब हमने हमारे जो वरिष्ठ ACP साहब जो है चंद्रकांत यादव साहब, DCP सुहास बाउचे साहब, इनके मार्गदर्शन के नीचे हमने ये सब काम किया है। सर, जो साइकिल चोर पकड़ा गया है इसका जो है, इसका क्या बैकग्राउंड है और किस लिए चोरियां करता है? ये 18-19 साल का लड़का है और जो अपने शौक पूरा करने के लिए इसने ये करता है, एक एक साइकिल बेचकर ये काम, ये अपने शौक पूरे करने के लिए ये साइकिल चुराता था। लगभग कितनी साइकिलें, क्या वैल्यू साइकिलों की है, कितनी साइकिलें पकड़ी हैं अभी? ये अभी BMW की साइकिल की कीमत तो कम से कम 40 से 50 हजार है, बाकी जो है 20-25 हजार की साइकिलें हैं।